अच्छा भाई नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन है द फिलामेंट लैंप इज कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन फिगर 6.2। 6.2 क्या है? ये सर्किट है, इसके अंदर 6 वोल्ट की बैटरी है, इसमें एक एमीटर लगा हुआ है सीरीज में, एक 20 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और एक लैंप जो है वो पैरेलल में लगी हुई है। ठीक है, आपको कह रहे हैं देयर आर करंट्स इन द लैम्प, द 20 ओम रेजिस्टर एंड इन द एमीटर, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यूनिट इज, ठीक है, एडिशनल लिख दिया मैंने, कोई मसला नहीं इसमें। ठीक है, जो लिख रहे हो तो साथ साथ इसकी इक्वेशन भी लिख दिया करो। सही है, यूज फिगर 6.1, जब कह दिया ना यूज फिगर 6.1 तो फिर दिमाग नहीं लगाना, कोई कैलकुलेशन नहीं, फिर यूज फिगर 6.1 डिटरमाइन द करंट इन द फिलामेंट। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एजम्पशन लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ऐसे नहीं, 6.1 को देखते हुए काम करना। 6.1 देखते हुए डिटरमाइन द करंट इन द फिलामेंट लैंप, इसमें से क्या भाई पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट जाएगा आई, सॉरी तो पूरा हिल गया, इसका कर्सर ज्यादा तेज चल रहा है यहाँ से। ओहो ओके, 6.1 है फिर 6.2 है, 6.1 ग्राफ है ना, इसका ऊपर का कर्सर नहीं आ रहा क्या, ये रहा। अच्छा भाई इसको हम देखते हैं, हमसे पूछा क्या जा रहा है, जरा पलटना इसको, सवाल में क्या लिखा हुआ है, 6.1 यूज करते हुए 20 ओम रेजिस्टर के अंदर करंट निकालना है। ओके और आगे, ठीक है, देयर आर करंट्स इन लैम्प 20 ओम रेजिस्टर एंड एमीटर, इसी के तीनों में है, यूज कैसे डिटरमाइन द करंट इन द फिलामेंट लैम्प। ठीक है, अब देखो फिलामेंट लैम्प जो है उसमें से करंट जा रहा है, आपको उसके अगेंस्ट वोल्टेज पता है कितना आ रहा है, 6 वोल्ट आ रहा है। अब 6 वोल्ट वोल्टेज के अगेंस्ट आप निकालोगे करंट, कैसे निकालोगे, निकालो ग्राफ में से, ग्राफ का है मेरा 0.35 आर, सही है, बिल्कुल सही है, 6 ओम के 6 वोल्ट के अगेंस्ट जो है 0.35 वोल्ट आ रहे हैं आपके। ठीक है, नहीं 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 एक्चुअल वैल्यू लिखोगे, और क्या पूछा गया आपसे, ओके ठीक है भाई, देखो आपके पास 20 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है 6 वोल्ट, जो कि फिगर 6.1 में मेंशन है, 6.1 में फिलामेंट लैम्प मेंशन नहीं है। ठीक है ना, वी और आई का है, फिलामेंट लैम्प का नहीं बताएगा, क्योंकि फिलामेंट लैम्प आपका ओम्स लॉ को फॉलो एक लिमिट के बाद नहीं करता, क्योंकि टेम्परेचर हाई हुआ था, तो आपने देखना है भाई 20 ओम के अगेंस्ट 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट के ऊपर कितनी वैल्यू ऑफ करंट आ रहा है, वो 6 ओम के अगेंस्ट 6 वोल्ट के अगेंस्ट जो वैल्यू ऑफ करंट है कितना आ रहा है, वो आपने निकाला ग्राफ से 0.35, ठीक है। अच्छा इसमें कितना आएगा, कैसे पता चल रहा है टोटल करंट कितना है, इसका और इसका, इसका 0.3 कैसे पता चल रहा है आपको, देखो कैलकुलेशन यहां कर देता हूं मैं, V इक्वल्स टू IR है, आपके पास I क्या है, 20 ओम का निकालता हूं ना पहले मैं, V अपॉन R, 20 ओम का V अपॉन R है, तो V इज 6, R क्या है 20, वैल्यू बताओ एम्पेयर, ये किसका आ गया, I 20 ओम रेजिस्टर का आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें से जो करंट गुजर रहा है ना वो इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा,
तो टोटल करंट 6 वोल्ट का आएगा, वो इसमें और इसमें डिवाइड होगा ना भाई। 6 वोल्ट वोल्टेज है, इसके अगेंस्ट एक करंट आई प्रोड्यूस होता है, ये जाएगा इसमें I1 और इसमें जाएगा I2, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो मेरे पास I1 जो है I 20 ओम है, सही है। तो I2 निकालने के लिए मैं I-I1 कर दूं, I2 निकालने के लिए I-I1 कर दूंगा, ठीक है ना। I कितना है आपका, सही है 0.3। तो इसका निकालते हैं ना करंट, यार ये हिल जाता है पूरा ही। अच्छा ये यहाँ पर अगर आप इसको चेक करते हो 6 की वैल्यू को, ये फिलामेंट लैंप है, तो इसमें आपको कह रहा है कि भाई 6 वोल्ट अगर फिलामेंट लैंप के अगेंस्ट हैं तो इसका सिंपली डायरेक्ट 0.35 ही तो दिया हुआ है एम्पियर। इसमें तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर डायरेक्टली निकालो 0.35 एम्पियर, कोई मसला ही नहीं है। वो कैलकुलेशन आगे के लिए, यहाँ तो आपने डायरेक्टली ग्राफ से निकाल के आंसर दे देना। आगे बताओ, अब एम मीटर का करंट निकालना है, जो सारी वर्किंग हमने की है एम मीटर के करंट के लिए की है, ठीक है। एम मीटर में करंट कौन सा जाएगा जरा इधर देखें, तला फैसल, एम मीटर में करंट कौन सा जाएगा। ये जब इसने कहा ना 0.61 फिगर, फिगर में तो डायरेक्ट आपको ये मिल गया, क्यों, क्योंकि 6 वोल्ट अगर लैम्प, क्योंकि जो फिगर है ना, फिगर है लैम्प की, फिलामेंट लैम्प की, जो फिगर में शुरू में लिखा हुआ है कि जो ग्राफ है फिलामेंट लैम्प का, उसमें 6 वोल्ट के अगेंस्ट आपको करंट मिल गया 0.35 एम्पीयर, वो तो आपने आंसर लिख दिया। के बाद आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि जो एम मीटर में करंट जा रहा है वो बताओ, और एम मीटर में करंट देखो क्या जा रहा है, एम मीटर में करंट जा रहा है वोल्टेज बैटरी, बैटरी से निकल के, दिस इज द एम मीटर करंट आई, आई जा रहा है एम मीटर के अंदर, जो कि बैटरी का करंट है। बैटरी का करंट डिवाइड कहाँ कहाँ हो रहा है, 20 ओम रजिस्टर में और लैंप में। लैंप का करंट आपने निकाल लिया, 20 ओम रजिस्टर का मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया आपको, 0.35 प्लस 0.3 दोनों का ऐड कर लूँगा तो टोटल करंट आ जाएगा, जो कि ये वाला आई होगा। तो आप कह देंगे भाई कि आई इज इक्वल्स टू आई 20 ओम प्लस आई लैंप। 20 ओम का आपने दिखा दिया भाई कितना था ऊपर, वी अपॉन आर, सिक्स अपॉन 20.3 हो गया, ये 0.35 हो गया, ये 0.65 हो गया, यहाँ पे आपने आंसर लिख दिया 0.65 एम्पीयर, ठीक है। क्या बेटा लिखना है, हो गया। अच्छा आपको कहता है सर्किट इन फिगर 7.1 इंक्लूड्स एन एम मीटर, अ 6 ओम रजिस्टर, अ लेंथ ऑफ मेटल वायर, मेटल रेजिस्टेंस वायर एंड 3 1.5 वोल्ट सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 1 2 3 3 सेल लगे हुए पैरेलल में, इसके साथ आपने कनेक्शन दिया हुआ है 6 ओम के रजिस्टर का, एक एम मीटर सीरीज में, और एक वायर है, तो वायर की भी तो रेजिस्टेंस है मेटल वायर की, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि भाई ये 3 सेल दे दिए मैंने पैरेलल में, ये पॉइंट पी और क्यू के जंक्शन से मैच करते हुए जा रहे हैं। अब आगे पूछा क्या जा रहा है, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेल्स इन पैरेलल रादर देन यूजिंग अ सेल इन सिंगल, लॉन्ग लास्टिंग है और इट कैन सपोर्ट द सर्किट, सर्किट विल रन इन केस इफ एनी सेल गेट्स फेल, ठीक है। एक मार्क का है तो कोई भी एक रीजन आप लिख सकते हो, ठीक है। इट लास्ट लॉन्गर ड्यू टू हाई ईएमएफ वैल्यू
सर्किट विल कीप लाइफ इफ एनी वन सेल गेट्स फेल। ठीक है, अब आपको कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू इन द सर्किट ऑफ फिगर 7.1। 7.1 में पी और क्यू के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताइए क्या है। कौन बताएगा, क्या आंसर होगा पी और क्यू के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस का? वेरी गुड, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड तो होता नहीं है, 1.5 ही होगा वोल्ट। ठीक है, वैल्यू सेम होगी, लास्टिंग ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि आवर्स ज्यादा हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? देखो आपके पास होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो V इज इक्वल टू आई आर, इसमें आई V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, V की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 तीन V हो जाए एक की जगह, तो ये भी तो 3i हो जाएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, i चार्ज अपॉन टाइम है, तो क्या होगा, टाइम आपका एक्सेसिव हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, एमीटर इन फिगर 7.1 रीड्स 0.07 एम्पीयर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। एमीटर इन फिगर 7.1 रीड्स 0.075 एम्पीयर। एमीटर, अब देखो सर्किट करंट की डायरेक्शन ऊपर क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा लाइक दिस, एमीटर में जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ से फिर वापसी ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव सर्कुलेट कर रहे हैं ना, तो पूरे पॉजिटिव से पाथ बना दिए मैंने आपके पास, आप भी डायग्राम में बना दो ताकि मुश्किल ना हो। इसके बाद आप बोल रहे हो कि मुझे ये बताइए कि रेजिस्टेंस कितनी होगी वायर की, तो अगर करंट आ रहा है एम मीटर के अंदर 0.075 एम्पीयर, तो वही करंट 6 ओम के रेजिस्टर से आएगा, और 6 ओम का रेजिस्टर के साथ जो वायर है वो भी सीरीज में, तो वही करंट 6 वायर के साथ भी जाएगा, वही करंट वायर से भी जाएगा ना, तो वायर का करंट कितना हो गया, तो अगर मैं कहता हूँ आई ऑफ वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 0.075 एम्पीयर, ये सीरीज में दोनों, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, कितना है 1.5, आंसर बताइए 2 ओम्स। थोड़ा सा नहीं, लेकिन एक बात बताओ, आर अगर मुझे निकालनी है तो जो करंट है वो सिर्फ किस आर से जुड़ जाए, मैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लूंगा कि दो रेजिस्टेंसेस हैं मेरे पास, आर 6 ओम भी है और आर वायर भी है, तो मैं अगर इसको देखूं तो मेरा जो आर आ रहा होगा, जरा बताइए कितना आ रहा है, आर टी है ना ये, तो ये कितना आ, कितना रहा है, कितना रहा है इसमें, 20 आ रहा है। अब आप बात करेंगे कि भाई सिंस आर टी इज इक्वल टू 20 ओम प्लस एक्स ओम जो वायर है, x equals to rt minus 20 ohm, 6 ohm, sorry, ये 6 ohm है ना, okay, minus 6, which is 20 minus 6, which is 14 ohm, सही है, clear है?
अब कह रहे थे टेम्परेचर ऑफ द मेटल रेजिस्टेंस वायर इंक्रीजेस, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस टेम्परेचर इंक्रीज ऑन द एम मीटर रीडिंग. बिल्कुल, सिंस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिड्यूसेस द सॉरी रिड्यूसेस नहीं इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ड्यू टू विच करंट थ्रू इट सीरीज में ना, ठीक है, थ्रू इट विल रेडी विल डिक्रीज हैंस शोइंग लेस करंट वैल्यू या रीडिंग इन एमीटर. ठीक है, क्योंकि एमीटर जो करंट रिकॉर्ड कर रहा है वो इस वायर से जो ड्रॉ हो रहा है करंट वही रिकॉर्ड कर रहा है, तो अगर ये वायर से कम जाएगा तो एमीटर से भी कम जाएगा. ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ मेटल वायर एंड कैलकुलेट एंड करंट इन द वायर. ओके, ही डज दिस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट. ओके, ड्रॉ लेवल सर्किट डायग्राम ऑफ द सर्किट दैट इनेबल्स द इंजीनियर टू डू दिस. क्या कर रहा है ये, इसने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ मेटल वायर अप्लाई किया और उसमें से करंट चेक कर रहा है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट के लिए चेक कर रहा है. एमीटर सीरीज में होगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में होगा, एक बैटरी लगाएगा और एक वायर लगाएगा. वायर एक रेजिस्टेंस की फॉर्म में वायर होगा, वायर की तरह आप दिखा सकते हो, उसकी रेजिस्टेंस होगी, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट के लिए कैसे दिखाओगे. वेरिएबल रेजिस्टर रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं, वो थर्मिस्टर है, वो दूसरा है. रियोस्टेट में बताता हूँ, इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ. चलो आप लोग अपने अपने पास भी बनाए देखें, मैं आपको बना के देता हूँ. बेसिक सर्किट होगा आपका, ये वोल्टेज सोर्स होगी, इसके बाद यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टर होगा, इसका निशान याद होना चाहिए आपको ऐसे. ये वायर है आपकी, अच्छा यहाँ पर आपके पास एमीटर होगा. एमीटर हमेशा लाइव वायर में लगाएंगे, न्यूट्रल में नहीं लगाना. और इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर होगा, ठीक है, क्लियर है. ये सर्किट बना दिया आपने. अब क्या होगा, अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट जो है वो रियोस्टेट को यूज करते हुए करंट की वैल्यूज चेंज करके इसमें से गुजार रहा है. ठीक है, ये सर्किट आपका बन गया. इस सर्किट को नोट करें, डिस्क्राइब हाउ दिस सर्किट इज यूज्ड.
डिस्क्राइब हाउ द सर्किट इज यूज, लिखना शुरू करें. द सर्किट इज यूज बाय टेकिंग डिफरेंट रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर. द सर्किट इज यूज बाय टेकिंग डिफरेंट रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर. By varying VAR via ING. By varying the total resistance time to time. through the rheostat रियोस्टेट यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हैं सर्किट की, जिसकी वजह से वोल्टेज और करंट चेंज हो रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं. स्टेट द इक्वेशन दैट डिफाइंस द रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई. ठीक है, क्लियर है. आगे बात करते हैं. द इंजीनियर performs the experiment and notices that the potential difference across the wire is directly proportional to the current in it. He calculates the resistance of the wire and plots a graph of the resistance against the current. Sketch the shape of this graph. Simple hai? Resistance aur current hai, voltage aur current nahi hai. Ye dekh lijiyega, resistance aur current hai. Kehta kya hai, engineer performs the experiment and notices that the potential difference across Across the wire is directly proportional to the current in it. V is directly proportional to I. ये समझ रहा है, ठीक है ये. अच्छा ये कह रहा है calculate the resistance. He calculates the resistance of the wire and plots a graph the resistance against the current. जब V और I directly proportional होते हैं, resistance क्या होती है? जब V और I directly proportional होते हैं, resistance क्या होती है? State gradient क्या होता है? Value of resistance क्या होती है? Value of resistance क्या होती है उस moment पे? जब V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस क्या होती है? कांस्टेंट होती है ना. V इक्वल्स टू I R, ओम्स लॉ में R क्या है? कांस्टेंट है ना. तो V और I जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट हुई. इसका मतलब अगर ये करंट बढ़ भी रहा होगा तो रेजिस्टेंस मेरी सेम होगी, है ना, स्ट्रेट लाइन होगी ना भाई. V और I जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी ना, R इज अ कांस्टेंट. तो दिस ग्राफ शोस R अगेंस्ट I. I जितना भी चेंज हो जाए उसके अकॉर्डिंगली V चेंज हो रहा होगा, R चेंज नहीं हो रहा होगा. जब R चेंज नहीं हो रहा तो स्ट्रेट लाइन होगा ना R. तो X एक्सिस चेंज हो रही है, Y एक्सिस थोड़ी चेंज हो रही है. स्केच करना है ग्राफ, एक्यूरेट थोड़ी बनाना. तो किसी वैल्यू को स्ट्रेट लाइन दिखा दूं, ये वही जो कॉन्स्टेंट स्पीड का ग्राफ बनाते थे हम डिस्टेंस और टाइम का. तो कॉन्स्टेंट स्पीड स्ट्रेट लाइन होती थी पैरेलल टू X एक्सिस. ठीक है, क्लियर है, लिखें इसको. चलो ये वाला आप सॉल्व करें, 5 मिनट आपके पास.